17 व 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस 2023 की सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किए जाने के संबंध में प्रदेश में कई जनपदों में अभियोग पंजीकृत कर प्रकरण की जांच स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही थी। जांच तथा पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर प्रकरण में मुख्य अभियुक्त व मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा निवासी प्रयागराज तथा वर्तमान निवासी भोपाल का नाम प्रकाश में आया था। 2 अप्रैल को की साय अभिसूचना संकलन के आधार पर यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती का पेपर लीक करने वाले अभियुक्त राजीव नयन को परी चौक के पास ग्रेटर नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर से UPSTF की नोएडा टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राजीव नयन भर्ती परीक्षा पेपर लीक से संबंधित मुकदमे में थाना कंकड़खेड़ा मेरठ में वांछित था, जिसको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अभियुक्त राजीव पूर्व में NRHM घोटाला ग्वालियर तथा उत्तर प्रदेश TET पेपर लीक की घटना में जेल जा चुका है। अभियुक्त से प्रारंभिक पूछताछ में उसके द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन में लीक किए गए पेपर की फ़ोटो लेकर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर 2 स्थानों पर पेपर रीडिंग व सॉल्व करने का प्रबंध किया गया था। गुड़गांव हरियाणा में रवि यात्री उर्फ हवलदार द्वारा अभियुक्त राजीव के साथ मिलकर 500 अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व एवं रीड कराने का प्रबंध किया गया था। शिव महाशक्ति रिसॉर्ट रीवा मध्य प्रदेश में भी अभियुक्त राजीव द्वारा स्वयं 300 अभ्यर्थियों को बैठाकर पेपर सॉल्व व रीड कराया गया। कई अन्य सहभियुक्तों के साथ मिलकर उक्त समस्त प्रबंधन किए गए थे। समस्त अपराध में हुए मनी ट्रेल की भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे सहभियुक्तों के संबंध में जानकारी व साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है। इस संबंध में गहन छानबीन की जा रही है।